हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टूडे आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डेली करेंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इम्पॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेस और फर्स्ट टॉपिक इज अल्ट्रा प्रोसेस फूड तो हम जानेंगे अल्ट्रा प्रोसेस फूड के बारे में रिपोर्ट जॉइंटरी रिलीज बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशन इकोनॉमिक रिलेशन हाई लाइट अग्निफिकेंट एंड कंसर्निंग इनक्रीज इन दिल ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस फूड इन इंडिया ओवर दी पास दिखेड एक जो रिपोर्ट है जिसको ज्वाइंटली रिलीज किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के द्वारा यह हाईलाइट कर रहा है जो सिग्निफिकेंट और कंसर्निंग इंक्रीज हुआ है सेल में अल्ट्रा प्रोसेस फ्रूट का भारत में पांच डिकेट में ये जो स्टडी है ये दर्शाता है कि जो सेल है आइटम्स का जैसे कि चॉकलेट हो गया शुगर कन्फेक्शनरी हो गया यह ड्रॉप किया है जो पहले 10 परसेंट है टू में यह गिर के 1 परसेंट हो गया था 2020 में पैंडेमिक के कारण लेकिन उसके बाद उसका बहुत जल्दी रिकवर करके 9 परसेंट हो गया 2021 में उसी तरीके से जो रिटेल सेल थे सोल्टी स्नैक और बेवरेज का जो की आपका रिड्यूस किया था 14% से 2019 से 9% आया था और 1% 2021 पर रेस्पेक्टिवली ट और ये जो रिपोर्ट है की टू थाउजेंड थर्टी टू तक डिस्पाइट जो डिक्लाइन हुआ है मार्केट शेयर में उसके बावजूद जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड हुआ जिसमें चॉकलेट सुगर कन्फेक्शनरी सोल्टी स्नेक और रेडीमेड फूड आते हैं वो कंटिन्यू डोमिनेट करेंगे इस मार्केट को अल्ट्रा प्रोसेस फूड होता है क्या हम ये भी समझेंगे जो की मल्टीपल स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग से पास हुआ है ये ऑफेन इन्वॉल्व करता है एडिशन बहुत टाइप का आर्टिफिशियल इन्ग्रीडियंट का जैसे की प्रिजर्वेटिव हो गया कलर हो गया फ्लेवर हो गया या एडिटिव हो गया ये जो फूड होता है ये टिपिकली कंटेन करते हैं मिनिमल होल या नेचुरल इन्ग्रीडियंट को और इनको करेक्टराइज किया गया है इनके कन्वीनियंस लॉन्ग सेल्फ लाइफ और ओवन एडिटिव टेस्ट प्रोफाइल के कारण नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व इन राजस्थान तो जो धोलपुर करौली टाइगर रिजर्व है राजस्थान के इसके बारे में हम जानेंगे कहां लोकेटेड है डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है रिसेंटली इंडिया इज एस्टैब्लिश फिफ्टी फोर्थ टाइगर रिजर्व इन दी करौली एंड ढोलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान फॉलोइंग अप्रूवल फ्रॉम दी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अभी हाल ही ने भारत ने स्टेब्लिश किया है फिफ्टी फोर्थ टाइगर रिजर्व को करौली और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के जब उनको अप्रूवल मिल गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से दिस न्यू रिजर्व मार्क राजस्थान फिफ्थ ज्वाइनिंग दी एग्जिस्टिंग रिजर्व ऑफ रंथम्बोर सरिस्का मुकुंडा हिल एंड रामगढ़ विधरसरी ये जो नया रिजर्व है यह राजस्थान का पांचवा रिजर्व हो गया है यह ज्वाइन कर रहा है जो आपका एग्जिस्टिंग रिजर्व है कौन कौन सा रंथमबोर सरिस्का मुकुंडा हिल और रामगढ़ विचधरी ये कहाँ का लोकेटेड है ये पांचवा आपको मेमोराइज होना चाहिए नाम के साथ ये धोलपुल करौली टाइगर रिजर्व अप्रूवल इज सीन एज ए सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन दिस स्टेट और जो धोलपुर करौली टाइगर रिजर्व अप्रूवल मिला है इसको देखा जा रहा है एक सिग्निफिकेंट स्टेप के रूप में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए स्टेट में स्टेट ऑन टाइगर पॉपुलशन क्या स्टेट है टाइगर के पॉपुलशन को लेके ओवर रिसेंट ईयर इंडिया इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलशन राइजिंग फ्रॉम 2967 थाउजेंड नाइन इन टू 3682 एटीन इन 2022 सिग्निफाइंग एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6 परसेंट रिसेंट ईयर में क्या हुआ इंडिया में देखा गया है इंक्रीज हुआ है टाइगर का पॉपुलशन जो पहले टू था टू में यह बढ़ गया हो गया तक ये दर्शाता है कि जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो परसेंट का है

यहाँ पे आप देख सकते हैं जो धोलपुर आपका लोकेटेड है कहाँ पे धोलपुर करौली जहाँ पे इस टाइगर रिजर्व को स्टैब्लिश किया जा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा मैप बेस्ट क्वेश्चन के लिए भी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट हाइड्रोजन बस इन ले तो जो पहला हाइड्रोजन बस है ले का इसके बारे में हम जानेंगे इंडिया लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर एंटीपीसी लिमिटेड हैज बिगन अ ट्रायल रन ऑफ इट फर्स्ट हाइड्रोजन बस इन ले एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट इंडिया के जो लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है एनटीपीसी लिमिटेड उसने स्टार्ट कर दिया है ट्रायल रन को इनका पहला हाइड्रोजन बस का कहा पे लैब पे ये पार्ट है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट का यह इम्पोर्टेंट हो जाता है किसने किया कहाँ पे किया यह है क्या इस प्रोग्राम के बारे में हम जान लें दिस इनिशिएटिव एम टू अचीव कार्बन न्यूट्रल स्टेटस फॉर लद्दाख एनटीपीसी प्लान टू स्टेब्लिश ए हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन एंड ए सोलर प्लांट एंड डिप्लॉय फाइव फ्यूल सेल बसेज फॉर इंट्रेसिटी रूट इन ले ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है अचीव करना कार्बन न्यूट्रल स्टेटस को लद्दाख के लिए एनटीपीसी का प्लान है कि वो स्टेब्लिश करेगी एक हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन को सोलर प्लांट को डिप्लॉय करेगी फाइव फ्यूल सेल बसेस को इंट्रा सिटी रूट के लिए लैप नोटेबली दिस बसेस आर डिजाइन टू तो ऑपरेट इन सब जीरो टेम्परेचर एंड हाई एल्टीट्यूड कंडीशन और ये जो बसेस है इनको डिजाइन किया गया है कि ये ऑपरेट कर सके सब जीरो टेम्परेचर और हाई एल्टीट्यूड कंडीशन पे एन लिमिटेड फाउंडेड इन 1975 सेवेंटी फाइव हेडक्वार्टर इन न्यू डेली महारत में कंपनी इज मेजर इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड इंडियन गवर्नमेंट और एनटीपीसी लिमिटेड किया गया था 1975 में इसका हेडक्वार्टर न्यू डेली पे है यह महारत्म कंपनी है ये एक मेजर इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसको ओन किया जा रहा Ministry of Power है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट का नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स पी आई बी की हो जाता है जानेंगे हम जो एक्सपेंशन की बात कही गई है ब्रिक्स को लेकर

कि सब ज्वाइन करे जो कि आपका जनवरी 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर के स्टार्टिंग से होगा इंडिया स्टैंड ऑन एक्सपेंशन भारत का क्या स्टैंड है एक्सपेंशन को लेके इंडिया वेलकम दस बेस्ट एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग डूरिंग दिफ्टीन ब्रिक्स समिट इन जोनबर्ग भारत ने वेलकम किया है कॉन्सेंस बेस्ट एक्सपेंशन को ब्रिक्स के ग्रुपिंग के लिए फिफ्टीन ब्रिक्स समिट के दौरान जोनसबर्ग में जो हुआ था तो फिफ्टीन ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दिस मूव स्ट्रेंथन ब्रिक्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेवलपिंग कंट्री ये जो मूव है ये स्ट्रेंथन कर रहा है ब्रिक्स को एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डेवलपिंग कंट्री के लिए इंडिया इज प्रपोज क्रिएटिंग अ ब्रिक्स स्पेस कंसोल्टियम इन्वेस्टिंग इन स्किल मैपिंग टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एंड इन्फोसाइजिंग कॉपोरेशन फॉर कंजर्वेशन एफर्ट भारत ने प्रपोज किया है कि वो क्रिएट करेंगे ब्रिक्स स्पेस कॉन्सोल्टियम को इन्वेस्ट करेंगे स्किल मैपिंग टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के ऊपर ताकि इंफोसाइज किया जा सके कॉपरेशन को कंजर्वेशन एफर्ट के लिए The expansion is aimed at making BRICS future ready by enhancing cooperation, digital solution and development initiative. और ये जो एक्सपेंशन है इसका मकसद है कि ब्रिक्स को फ्यूचर रेडी किया जाए इनहेंस करके कॉपरेशन को डिजिटल सॉल्यूशन और डेवलपमेंट इनिशिएटिव के माध्यम से यहां पे आप ब्रिक्स के एक्सपेंशन को देख सकते हैं जो अलायंस है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका का उन्होंने इन्वाइट किया सिक्स मोर कंट्री को तो क्या सिग्निफिकेंस होगा एड करके न्यू मेंबर्स को ब्रिक्स में ये स्ट्रेंथन करेगा रिप्रेजेंटेशन को जो एडिशन किया जा रहा है न्यू मेंबर्स को ये बूस्ट करेगा ब्रिक्स के इन्फ्लुएंस को एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ग्लोबल साउथ का ये सिम्बलाइज करेगा ब्रिक्स को एक वॉइस के रूप में ग्लोबल साउथ

मल्टीपोलरिटी प्लेटफॉर्म ब्रिक्स प्रोवाइड करेगा एक प्लेटफॉर्म को कंट्रीज के लिए जो ग्लोबल साउथ में है वो एक्सप्रेस करे सॉलिडेरिटी को और एडवोकेट करे मल्टीपोलिटी को ग्लोबल अफेयर में इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रोल की अगर हम बात करें तो ये चैलेंज करेगा जो वेस्टर्न जियो व्यू है और इसका पोटेंशियल है कि ये एमर्ज कर सकता है काउंटर के रूप में वेस्टर्न लेड फोरम जैसे कि जी और वर्ल्ड बैंक का चाइना की इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ड्राइव करने के लिए एक्सपेंशन को ये अंडर स्कोर हो जा रहा है इसके एक्सपीरेशन को एस्पिरेशन को लेकर स्टेब्लिश करने का ब्रिक्स के कोर एजेंडा और नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग को लेकर डाइवर्स जियो पोलिटिकल टाइज की अगर हम बात करें तो न्यू मेंबर्स जो है वो डाइवर्स जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं जो कि रेंज करता है ऑयल प्रोडक्शन से लेकर जैसे कि सऊदी अरबिया का डिप्लोमेटिक अलायंस तक ईरान एंड रशिया के लिए चाइना और रशिया इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो जो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है इनवाइट करने के लिए ईरान और सऊदी अरेबिया को ये अंडर स्कोर कर रहा है इसके रोल को जो एक्सपेंशन की बात थी ब्रिक्स और शिपिंग ग्लोबल अलायंस को क्या सिग्नल जाएगा इससे वेस्ट को तो ईरान और रशिया का इंक्लूजन एक सिग्नल है वेस्ट के लिए कि जो ग्लोबल अलायंस है डिस्पाइट स्ट्रेट रिलेशन का ये पॉसिबल है इंडिया की अगर हम पोजीशन की बात करें तो इंडिया वैल्यू कर रहा है और उसके प्रेजेंस को ब्रिक्स में एक नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग के रूप पे जो कि अलाउ करता है इसको कि वो मेंटेन करे डाइवर्स पार्टनरशिप को सिग्निफिकेंट भारत के लिए क्या है गे जो एडिशन है न्यू मेंबर का ब्रिक्स पे ये महत्व रखता है भारत के लिए भी एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप को लेकर जियोपोलिजिकल इन्फ्लुएंस को लेके साथ साथ रेज करता है ये चिंता को भी पोटेंशियल प्रो चाइना डोमिनेंस को लेके सलाइंस में कंसर्न क्या है तो कंसर्न एग्जिस्ट कर रहा है जो एक्सपेंशन है वो इंक्रीज करेगा प्रो चाइना इन्फ्लुएंस को ब्रिक्स में पॉसिबली साइडलाइन कर सकता है दूसरे मेंबर के वॉइस को कंक्लूजन इससे क्या निकलता है स्ट्रेंथन तो कर रहा है ब्रिक्स के पोजीशन को एक प्लेटफॉर्म के रूप में कि डेवलप किया जाए कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लेकिन आवश्यकता है इंडिया को कि वो इंश्योर करे कि इसका वॉइस और इंटरेस्ट जो है वो ओवर सेडोल नहीं हो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना के कारण या दूसरे न्यू मेंबर्स के कारण नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ चंद्रयान थ्री मिशन एंड इसरो फ्यूचर मिशन क्या सिग्निफिकेंस ऑफ चंद्रयान थ्री मिशन और इसरो के फ्यूचर मिशन का इसको हम जानेंगे तो जो सिग्निफिकेंस है चंद्रयान थ्री मिशन का भारत के लिए पहले इसको हम समझते हैं तो प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन ये स्टेब्लिश कर रहा है भारत के क्रीडेंशियल को एक सीरियस प्लेयर के रूप में प्लानटरी एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेस पॉलिसी ये ग्रांट कर रहा है इंडिया को एबिलिटी की ये कंट्रीब्यूट करे और इन्फ्लुएंस करे फ्यूचर स्पेस पॉलिसी को डिप्लोमेटिक आउटरीच इनहेंस इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड सपोर्ट इन इंटरनेशनल कम्युनिटी ये इनहेंस करा भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन को सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये दर्शाता है भारत के एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी को नेशनल एलिवेट इंडिया पोजिशन इन ग्लोबल स्पेस डिस्कशन एंड कोलाबोरेशन ये बढ़ा रहा है भारत के पोजिशन को ग्लोबल स्पेस डिस्कशन और कोलाबरेशन के लिए फ्यूचर कोलाबरेशन पेप डी वे फॉर पार्टनरशिप विथ अदर स्पेस एजेंसी एंड नेशन ये तैयार कर रहा है एक राष्ट्र को पार्टनरशिप के लिए दूसरे स्पेस एजेंसी और कंट्री के साथ कॉन्फिडेंस एंड कैपेबिलिटी बूस्ट इंडियाज कॉन्फिडेंस टू अंडरटेक कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशन ये बूस्ट कर रहा है भारत के कॉन्फिडेंस को कि वो कर सकता है कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशन को भी ट्रांजिशन रिफ्लेक्ट इंडिया प्रोग्राम फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री टू ए डेवलप्ड वन ये दर्शा रहा है भारत के प्रोग्रेस को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड वन की और अदर अपकमिंग प्लेनेटरी मिशन ऑफ इसरो इसके अलावा जो आने वाला प्लानटरी मिशन है इसरो का जैसे कि आपका लूपेक्स हो गया लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन एम्स टू एक्सप्लोर द मून पोलर रीजन एंड सेडेड एरिया इन्वेस्टिगेट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टडी लूनर सर्फेस कंडीशन इसका मकसद है एक्सप्लोर करना मूल के पोलर रीजन को सेडेड एरिया को यह इन्वेस्टिगेट करेगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को और स्टडी करेगा लूनर सर्फेस के कंडीशन को एक्सपोर्ट सेट एक्स पोलरीमीटर सेटेलाइट इंडिया मिशन स्टडी डायनामिक ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज जो आपका काट है यह इंडिया का पहला पोलरीमीटर मिशन होगा यह स्टडी करेगा जो डायनेमिक है एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज का आदित्य एलवन जिसको की अभी लॉन्च किया गया था तो यह इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है यह स्टडी करेगा सन को जिसमें की सोलर कोरोना एमिशन विंड और फ्लेयर आते हैं निसार नासा इसरो मिशन ये ज्वाइंट मिशन है नासा और इसरो का ये उपयोग कर रहा है सिंथेटिक एपेरेचर रडार सार का ताकि मैप किया जा सके पूरे ग्लोब को बारह दिन के अंदर ही लुपेक्स मिशन के बारे हम में हम डिटेल में जान लें लुपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन इज ए कोबरेटिव मिशन बिटवीन इंडिया एंड जैक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी शेड्यूल फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव जो लूपेक्स है ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ये आपका एक कोलेबरेटिव मिशन है इसरो और जक्सा का जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का तो कौन कौन कंट्री का ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको शेड्यूल किया गया है 2024-25 के लिए टारगेट एरिया की अगर हम बात करें पोलर रीजन ऑफ द मून इंक्लूडिंग परमानेंटली सेडेड रीजन ये टारगेट करेगा जो पोलर रीजन है मून का जिसमें कि परमानेंटली सेडेड रीजन भी आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सप्लोर लूनर पोलर रीजन इन्वेस्टिगेट वाटर सर्फेस कंडीशनिशिंग लॉन्ग टर्म स्टेशन एक्सप्लोर करेगा लूनर के पोलर रीजन को इन्वेस्टिगेट करेगा वाटर के एबेंडेंस को स्टडी करेगा लूनर सर्फेस कंडीशन को और पोटेंशियल होता है इसका की स्टेब्लिश करने में मदद करेगा लॉन्ग टर्म स्टेशन को पावर सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ऑनबोर्ड बैटरी जो है मदद करेगा लैंडिंग में परमानेंटली सेटेड एरिया पे क्या कॉम्पोनेंट इसका लॉन्च व्हीकल और रोबर है जिसको कंट्रीब्यूट किया जाएगा जक्सा के द्वारा और जो लैंडर है ये प्रोवाइड किया जाएगा इसरो के द्वारा इसका इम्पोर्टेंस क्या है तो ये मदद करेगा स्टडी करने में रीजन को मून का जो कि अच्छे तरीके से अभी इल्यूमिनेटेड नहीं है सन के कारण ये फोकस करेगा समझने में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है और जो पोटेंशियल है फ्यूचर एक्सप्लोरेशन का ये इन्वेस्टिगेट करेगा जो कंडीशन है पोटेंशियल लूनर हैबिटेट का और ये मदद करेगा इंडिया के लूनर एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी में भी दैट्स ऑल फॉर डेली करेंट अफेयर सेशन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक फॉर मे ऑर ऑलो यू कैन स्टेट कनेक्टेड विथ हस एंड गविव हस योर वैल्यूएल फीडबैक थैंक यू एंड एव नाइस डेफ